सो गाइस फाइनली यहाँ पहुँच गया। ये पीछे देख सकते हैं, ये है डीसी ऑफिस। सो गाइस ये बोतल देख सकते हैं, दिखा रहा हूँ, ये बोतल में हम लोग पानी भुगने जा रहा है। तो इस वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। सो गुड मॉर्निंग आप सभी को। बहुत दिन से वीडियो शूट नहीं कर रहा था, ब्लॉग ही नहीं बना रहा था मौसम के कारण से। तो फाइनली आज टाइम निकल लिया, मौसम भी ठीक हो गया। तो ये रहा मेरा भाई भैया। तो हम दोनों जाएगा, सबसे पहले अपना दोनों बाल तो हेयर कट करेगा। बहुत यहाँ जब से बाल ही नहीं कटा, पर बहुत जंगली लग रहा है मेरे बाल को देखने से। तो सबसे पहले जाएगा बाल काटने, तो सीधा आपको मिलते हैं रोड पे। तो गाइस हम लोग रास्ता पे है, तो ऑलमोस्ट पहुँचने वाला है घर से। बाल करना बार जस्ट सामने में है, तो इसलिए चल के आ गया हम भाई। हम तो ना तो चल के जा रहा है, तो वो अंकल देख रहा था ब्लॉगिंग करते वक्त। अपन के लिए अंदर रखने पड़ता है गाइस। क्या बोल रहा था वो? वो देख देख के जा रहा था वो अंकल जो। तो अभी ऑलमोस्ट पहुंचने लाए, सीधा आपको वहाँ मिलते हैं। फिलहाल पहुंच गया यहाँ पे, तो थोड़ा सा बाल काटेगा। ऐसे खाली है, सुबह सुबह हम लोग आ गया भाई, हम दोनों तो दोनों को खाली खाली मिल गया। तो थोड़ा सा बाल काटते हैं, उसका मिलता है बिल्कुल। तो गाइस फाइनली बाल काट दिया, अयो बा कैसा ठीक लग रहा होगा। फिलहाल काफ़ी गर्म लग रहा था इसलिए काट दिया। तो सैलून का नाम यहाँ पे है न्यू खुशबू हेयर ड्रेसर। तो यहाँ पे काट लिया बाल, घर के सामने में ही है। तो अब यहाँ से सीधा घर देगा, आपको सीधा घर पे मिलता है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस फाइनली घर आ गया, तो बाल तो काट लिया। तो सोच रहा है बाइक को थोड़ा सा जस्ट पानी मार लेगा, तो उसके लिए घर में तो पानी नहीं है फिलहाल। तो हम लोग मेरा भैया का ऑफिस का वहाँ पे धोएगा, गाड़ी भी धोएगा, बाइक को भी धोएगा उधर, उसका माथा वहीं धो लेगा। तो सीधा आपको वहाँ पे मिलता है। वैसे ये घर के सामने में है, तो सोच रहा है कि मोटो ब्लॉग नहीं किया जाए, सामने में है तो वहाँ पहुँच के आपको सीधा बात करता है। सो चलते हैं। सो गाइस फाइनली यहाँ पहुँच गया। ये पीछे देख सकते हैं, ये है डीसी ऑफिस, यहाँ मेरा दो भैया काम करता है। तो यहाँ पे एक पाइप है, तो रेगुलर पानी गिरता है। तो सोचा कि यहाँ पे धो लूँ अपना बाइक को। बाइक को आप दिखेगा, काफ़ी गंदा हो गया था, देख सकते हैं गाइस बाइक काफ़ी गंदा हो गया। जब से हम नाहलंग से आए अभी तक धोया ही नहीं बाइक को, तो चेन भी लूप करना है इसका। तो पहले बाइक को धोया जाए, उसके बाद देखता है। काफ़ी गंदा हो गया फिलहाल। तो यहाँ पूरा मिट्टी अंदर अंदर घुस गया, मिट्टी जो यहाँ काफ़ी गर्म है, तो अंदर अंदर मिट्टी घुस गया। तो थोड़ा सा इसको हल्का सा पानी मार लेगा।
आज का सीन ये है कि भैया हम लोग पानी बुकने जा रहे हैं, वो भी सुना है कि झरना से निकलता है पानी जो, तो चलो हम भी उसके देख लेगा और उसको बुक के भी आएगा वहाँ से थोड़ा बॉटल में कैरी करके आएगा। और ये फिलहाल ये भी बन गया, तो देख सकते हैं काफी सुंदर से बन गया। इसको थोड़ा सा सिनेमेटिक में देख लो आप लोग। तो गाइस ये बोतल देख सकते हैं, दिखा रहा हूँ, ये बोतल में आप लोग पानी बुकने जा रहा है, तो इसमें पानी वहां से लेके आएगा। तो कहां से पानी लेता है आप लोगों को दिखा देगा, वीडियो में बने रहना गाइस। सो गाइस भैया स्कूटी में इसको बुकेगा, ये छोटा सा डब्बा को, उसका मेरा बाइक यहाँ पे, मेरा बाइक मैं भैया प्लेन जाएगा तो सीधा आपको रोड पे मिलता है। सो गाइस हम लोग घर से निकल गया, तो भैया दोनों आगे जा रहा है तो हम उसका पीछे पीछे जा रहा है, क्योंकि वो झरना एक्चुअली हमको मालूम नहीं है एग्जैक्टली कहाँ पे है वो झरना। जो वैसे लोकेशन पता है कि वो जगह कहाँ है, लेकिन हमको एग्जैक्टली प्रॉपरली मालूम नहीं है कि कहाँ पर है, इसलिए तो ये लोग को फॉलो करके जाएगा भैया लोग को। तो चलते हैं, फिलहाल मेन मार्केट पे है, वैसे मेरा घर मेन मार्केट के सामने में है तो मार्केट पहुँचने में दूर नहीं लगता है, इसलिए मार्केट जल्दी पहुँच जाता है। तो फिलहाल मेन मार्केट में, और आज ऊपर से संडे है तो मार्केट सब बंद है, आप लोग देख ही सकते हैं सभी मार्केट बंद है। तो चलते हैं, मेरा पेट्रोल भी दो घट दिखा रहा है, दो घट FG के लिए बहुत है, लेकिन भी हम आते वक्त ढाल लेगा। वैसे बहुत दिनों के बाद मोटो ब्लॉग कर रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे हम मोटो ब्लॉग स्टार्ट मेरा से पास ही किया था, यही जगह से शुरू किया था, तो अभी भी यहीं से ब्लॉग कर रहा है। तो क्या हो गया भैया लोगों, शायद किसी को फ़ोन लगा रहा है। तो चलते हैं, वैसे हम लोग सुबह जाने का प्लान था, वैसे सुबह इधर उधर काम करते करते तो थोड़ा सा लेट हो गया, तो ऊपर से दिन में भी काफ़ी गर्म होता है तो गाइस दिन में नहीं निकल पाता है, तो इसलिए हम लोग टाइम निकल के अभी इवनिंग को निकल रहा है, क्योंकि इवनिंग को घुस भी सनसेट हो गया तो इतना गर्म नहीं है, इसलिए इवनिंग को निकला जा रहा है। तो यहाँ से आप लेफ्ट जाएगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिल जाएगा, सेप्पा का मेडिकल, वहाँ देखा होगा बोर्ड पर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो अगर सीधा जाएगा तो आपको Type 3 और ये सीधा रास्ता आपको इटानर नाहरलगन यहीं से जाना पड़ता है। पहुंच गया हम लोग पुलिस स्टेशन सेप्पा का, तो देख सकते हैं ये है पुलिस स्टेशन सेप्पा, ये है गाइस सब चीज़ आपको आसपास मिल जाएगा, बैंक, बाज़ार, ऑफिस, सब चीज़ सामने सामने में है सेप्पा में गाइस। सेप्पा में कुछ दिन से ना लाइट ठीक दे रहा है ना पानी ठीक तक आ रहा है, तो उसके कारण से हम लोग पानी बुकने जा रहा है, तो इसीलिए वो बैग में देख ही रहा होगा आप लोग, बोतल काफ़ी सारा भरा हुआ है, तो थोड़ा सा वहाँ पे पानी बुक के अपने घर के लिए लेके आएगा। तो सुना है कि वहाँ पे पानी बहुत फ्रेश वाला मिलता है, तो इसलिए चलो आज जाके चेक किया जाए कि कितना फ्रेश है वहाँ का पानी। तो यहाँ से आप लेफ्ट लिया जाए तो आपको वही ईटानगर नाहरलगन की रास्ता है, ये लेफ्ट जाएगा, हम लोग को जाना है राइट, हम लोग राइट देते हैं। वैसे मेरा ये फेवरेट प्लेस है ये सेप्पा का, क्योंकि रोड सामने में एक रोड का जस्ट सामने में नदी कमिंग रिवर, जो सेप्पा का माना जाना रिवर है माइटी कमिंग रिवर, तो सीधा दिखाई देता है यहाँ सामने में, इसके कारण से ये जगह को काफ़ी अच्छा लगता है, जस्ट रोड उसके बाद नदी और उसके ऊपर पहाड़ और उसके साथ घर और जस्ट सामने में हमारा हरी ब्रिज, ये ब्रिज का नाम बताया आप लोग को पहले ब्लॉग में भी, इसका नाम है हरी ब्रिज। ओ भैया लो आगे चला गया, हमको भी आगे जाना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे शाम को आदमी लोग काफ़ी हवा खाने आता है तो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड हुआ था होगा गाइस ज़माने में, यहाँ में हम लोग इवनिंग वॉक करने आता था गाइस, सोचो मेरा घर कहाँ था और इतना दूर हम लोग इवनिंग वॉक करने आता था गाइस। यहाँ से भी देख सकते सामने में एक रिवर दिखाई दे रहा है गाइस, तो कुछ बच्चा लोग यहाँ पे खेल रहा है, हाथ दिखा रहा था बच्चा जो, तो ऑलमोस्ट पहुँचने लगे आई थिंक वो जगह, बस पेट्रोल पंप पहुँच गया सेप्पा का, ये सबसे नया है पेट्रोल पंप सेप्पा का, अभी सबसे पुराना पेट्रोल पंप पहुँचेगा इसके बाद।
जेसीबी को आई थिंक ट्रक उठा के ले जा रहा है गाइस, देख सकता है काफ़ी हैवी लोड, क्या बात है। तो अभी दूसरा पेट्रोल पंप ऑलमोस्ट पहुँच ही गया, तो यहाँ पे सामने में दूसरा पेट्रोल पंप देख सकते हैं, इंडियन ऑयल लिखा हुआ है। तो हम लोग इससे भी दूर जाना है मतलब, तो चलते हैं। आई थिंक गाइस हम लोग पहुँच गया, तो इंडिकेटर यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो गाड़ी घोड़ा बहुत है काफ़ी है, यहाँ पे हम लोग पहुँच गया। तो गाइस हम लोग फाइनली वो झरना पहुँच गया, तो वहाँ पे फिलहाल भरा रहा है हम लोग, तो भाई यार यहाँ पे रुका हुआ है, हम लोग दिखाते हैं वो झरना। भैया पी के देख रहे हैं, पी के टेस्टिंग करके बता दो कैसा है पानी का, कैसा है? एकदम प्योर है, कूल है, ठंडा है, एकदम प्योर है बोला पानी जो, ठंडा भी है, हम पी के देखे ट्राई करके। हाँ गाइस ठंडा है पानी जो, प्योर वाटर है, काफ़ी बढ़िया है, प्योर वाटर। तो अभी पानी भराएगा, उसके बाद निकलेगा यहाँ से। पानी भर के हो गया, तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलेगा, अब वो सीधा मिलता है घर पे। A few moments later. So guys, finally घर पहुँच गया, तो काफी गर्म लग गया, तो इवन वैसे इतना बड़ा नहीं था वो, जो जस्ट छोटा सा ही था, लेकिन तीन जगह से पानी दे रहा था, मतलब वो मिट्टी से, शायद मिट्टी से अंदर से आता है, हम तो सोचा था कुछ थोड़ा सा बड़ा होगा। तो आदमी तो मत बोलो गाइस, इससे आदमी था, इसलिए वहाँ पे ज्यादा सूट नहीं किया, ताकि वो कुछ अलग सा ऑकवर्ड फील ना आए, हल्के थोड़ा शूट कर लिया, अब थोड़ा सा सिनेमेटिक में देखा होगा, उसके बाद फिलहाल घर पहुंच गया। तो दो भाई अब यहाँ पे है, रेस कर रहा है, मजा लगा बताए ना भाई? हाँ बहुत मजा लगा, बहुत मजा लगा बताए, लेकिन मुझे मुँह धुलाने नहीं मिला, पेप्सी नॉट ऑफिशियल है, मुँह धुलाने नहीं मिला बोला भैया को, नहीं मिला, बहुत अपसेट हूँ मैं। मैं तो मुख सूख गया, वहाँ में कितना आदमी था, मैं तो भीड़ देख के परेशान हो, इतना भी ठंडा नहीं था ना पानी जो, हमको नॉर्मल लगा, इतना ज्यादा ठंडा नहीं लगा, लेकिन जगह फ्रेश था और पानी भी पूरा क्लीन, पानी तो एकदम क्लीन था, हम दिखाया था, हम लोगों को दिखाया था अभी, जो पानी जो एकदम क्लीन था, तो वही था गाइस आपका आज का ये छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया, तो प्लीज मेक श्योर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।